कप्तान बाबर आजम आजकल फॉर्म में चल रहे हैं। कप्तान बाबर आजम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में भी शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा किया। न्यूजीलैंड के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में बाबर आजम की बैटिंग के हाईलाइट्स हम आपके साथ शेयर करेंगे छोटी सी वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी बाबर आजम के फैन हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बताएं कि बाबर आजम और विराट कोहली में किंग कौन है भी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। प्रैक्टिस मैच में न्यूजीलैंड की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 104 रन बनाए। न्यूजीलैंड की तरफ से मार्शन गुप्टल ने शानदार 8 रन की विकेट खेली। बेगर बल्लेबाजों ने भी शानदार किया। पाकिस्तान की बॉलिंग वहां पे कोई खास ना चली। पाकिस्तान की तरफ दो खिलाड़ी मोहम्मद आमिर और शेन शाफरीदी ने आउट। जवाबी बैटिंग में पाकिस्तान की तरफ से सैम अयूब और बाबर आजम ने इनके का आगाज किया। सैम अयूब 13 रन बनाने के बाद आउट हुए, लेकिन बाबर आजम ने एक एंड से अंदर बल्लेबाजी किया। बाबर आजम ने अपने चौकों और कवर ड्राइव से सबको हैरान किया। बाबर आजम ने इन गेंद में शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए 70 रन की इन गेंद खेली। बाबर आजम ने ये 70 रन 55 बालों पर बनाए। बाबर आजम के इन गेंद में 7 चौके और 3 के भी शामिल। इसके अलावा आखिर पर बैटिंग करने आए इफ्तिखार अहमद ने अपनी पावर हिटिंग से पाकिस्तान को यह मैच जितवा दिया। बाबर आजम को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। आप इस हवाले से क्या कहते हैं कमेंट्स करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना मत भूलिएगा।